हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया, मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं आज एक और वीडियो के साथ, और आज की जो वीडियो है वो भी हमेशा की वीडियोस की तरह बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो वीडियो क्या है? वीडियो ये है कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, कोई भी क्लेंजर, कोई भी फेस वॉश, कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई भी सीरम, कोई भी टोनर आप बना सकते हैं अपने मन मुताबिक। अपने मन मुताबिक कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि अच्छी स्किन चाहिए, डल स्किन से छुटकारा चाहिए, स्किन पर एक्सफोलिएटिंग लाजमी करो, लाजमी करो। कौन से एक्सफोलिएटर? केमिकल एक्सफोलिएटर जो होते हैं, एएचए बीएचएस, अपने स्किन केयर में लाजमी शामिल करो। अभी मैंने रिसेंटली वीडियोज़ अपलोड की थी, बजट में रहकर मैंने आपको ऑप्शन बना के दिए थे कि जिसकी बजट में जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करें और यूज़ करें। तो बहुत सारे मेरे पेड सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जिनकी बजट में वो ऑप्शन भी नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, जब तक मैं यहाँ हूँ आपकी परेशानी के सारे सॉल्यूशन मैं लेकर आती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप ही, आपने तो बता दिया केमिकल एक्सफोलिएट वाले जो हैं, मॉइस्चराइजर यूज़ करो, सीरम्स यूज़ करो, और या फेस वॉशेज यूज़ करो या क्लेंजर्स यूज़ करो, नहीं आप ही नहीं आ रहे बजट में। और अगर चले पैसे जमा करके हमने ले भी लिया, तो जब वो ख़त्म हो जाएगा उसकी टेंशन के ख़त्म हो जाएगा, तो फिर से दोबारा परचेज करना है। तो अब इस सब परेशानी से पाओ छुटकारा, और सुनो जब मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले उठकर क्या करना होता है? क्लिंजर। तो मैंने कहा था क्लिंजर ऐसा देखो जिसके अंदर आपके सैलिसिलिक एसिड तो लाजमी हो, क्योंकि एक्नी प्रोन स्किन है, अगर आपको ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, तो सैलिसिलिक ऐसा वाहित एजेंट है कि जो इन सब चीज़ों से छुट्टी दिला देगा आप लोगों को। मतलब ना वाइट हेड्स रहेंगे, ना ब्लैक हेड्स रहेंगे, ना एक्नी अगर है तो ख़त्म हो जाएगी, और नहीं है तो प्रिवेंट करेगा। तो ये ऑयली स्किन और एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए तो बेहतरीन होता है। उसके अलावा ये ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को भी एक्नी हो जाती है किसी ना किसी वजह से। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अब आप कह रहे हो कि क्लिंजर भी बता दिया आपने, मॉइस्चराइजर भी बता दिया आपने, भी बता दिया आपने, वो भी बता दिया, हम कैसे परचेज करें? परचेज कर लिया तो फिर दोबारा कैसे परचेज करें? तो अब ज़रूरत नहीं है आपको, मैं आपको जो सोल्यूशन बता रही हूँ वो गौर से सुनो। आपके पास जो भी फेस वॉश है, 100 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो गया, 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 वाला, 150 वाला, 100 का भी मिल जाता है ना, मेरे ख्याल से मिल जाता है, 100 का, 150 का, फेयर लवली का आई थिंक मिल जाता है 100 रुपये का, या 150 का हो गया, वो भी यार महंगाई इतनी हो गई, पता नहीं कितने का है। खैर, मतलब सस्ते से सस्ता क्लिंजर जो आपके पास है, जो आप यूज़ करते हो, जिससे यूज़ टू हो आप, आपने क्या करना है उसको एक्सफोलिएटर वाला कैसे बनाना है, सैलिसिलिक वाला कैसे बनाना है? सिंपल यार, आप, मैं आपको बताती हूँ, आप यार काम गया, आप सिर्फ और सिर्फ एक सैलिसिलिक एसिड खरीद लो, सिर्फ प्योर सैलिसिलिक एसिड जो आता है वो आप ले लो, ठीक। या ये ग्लोगैनिक का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कहीं समझो स्पॉन्सर वीडियो, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है यार। और ये ग्लोगैनिक का मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि बहुत रिजनेबल प्राइस में, 250-300 से स्टार्ट हो रही है इनकी प्राइस रेंज, 250-300-350 रुपये के, और रिजल्ट औसम है। इसके अलावा भी एक और है, उनके भी प्योर होते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पे जो है नाम मेंशन कर दूंगी, पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी उनकी, जिनके मैंने ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह यूज़ किए हैं पहले, प्योर होते हैं, बनाना पड़ता है आपको। डीआईवाई भी सिखा चुकी हूँ आप लोगों को कि किस तरह से आप घर में टोनर बनाओ, या ग्लाइकोलिक एसिड का टोनर हो गया, सीरम्स हो गए, ये सब कुछ बनाना सिखा चुकी हूँ अपने चैनल पर। तो खैर, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ये एक बीएचए है जो कि है सैलिसिलिक एसिड, इसमें भी लिखा हुआ है रिमूव ब्लैक हेड्स, क्लीन पोर्स, क्लीन एक्नी एंड स्कार्स। तो और आपने क्या करना है, जब आप इसको अपने बाथरूम में आप रख लोगे, ठीक है, आपने अपना फेस वॉश निकाला, उसमें इसकी आपने 2 ड्रॉप्स डाली, और उसको अच्छे से आपने लेदर क्रिएट किया, और फेस पर उससे आपने मसाजिंग करी 1 मिनट तक, देन अपना फेस को वॉश कर लिया, तो आपका कोई भी फेस वॉश है वो क्या बन गया इसके यूज़ से? एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश या क्लिंजर, क्योंकि हमने उसके अंदर बीएचए ऐड कर दिया जो कि है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब आप कहोगे आप ही कि यार ये ले, तो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये अगर आपने ले लिया तो ये इतनी बड़ी बॉटल, 30 ml की बॉटल है, इतनी बड़ी फुल भरी हुई, तो कितने ज़्यादा आपके, मतलब ये चलेगी? 2 ड्रॉप्स इसके यूज़ करने हैं आपने,
और आपका फेस वॉश जो है वो आप जो आप 100, 150 वाला, 200 वाला यूज़ करते हो वही आपने परचेज करना है। तो इस तरह से जो है आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, आपके पैसे भी मतलब रेंज में आ जाएगा कि आपकी हर चीज़ जो है आपकी वो सैलिसिलिक एसिड वाली हो जाएगी। ठीक है, अब आपने अपना क्लिंजर किया, अब हमारी दूसरी बारी आ जाती है टोनर की। जो टोनर यूज़ करते हैं उसमें आपने क्या किया, आपने क्या किया, रोज़ वाटर लिया, कोई भी रोज़ वाटर यार, कोई भी, ये मेरे पास अलहम का है, अलहम नाम है इसका, अलहम का है, आप कोई भी ले सकते हो, सईद गनी का, हिमानी का, ये कोई भी रोज़ वाटर आप ले सकते हो। अगर नहीं तो जो बड़ी वाली बॉटल जाती है अर्के गुलाब की, अर्के गुलाब उन पर लिखा होता है, वो आप ले सकते हो। एक बॉटल में फिल करो और इसकी आप जो है क्योंकि ये रेडीमेड है, ये 2% रेडीमेड है, तो उसकी आप 10-12 बोतल डाल सकते हो उसके अंदर, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप प्योर लेते हो उसकी आप सिर्फ और सिर्फ 1 बूंद डालोगे उस टोनर की बॉटल के अंदर। फिर से सुन लो, ये रेडीमेड है, ये 2% सैलिसिलिक एसिड है, तो ये हम डायरेक्टली भी फेस पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्योर जो इनके होते हैं ना, जिनको मैं खुद DIY करना होता है, वो हम डायरेक्टली फेस पर यूज़ नहीं कर सकते, उससे स्किन आपकी बर्न हो सकती है। तो जो रेडीमेड है इसकी तो आप 10-12 बूंदें अपने रोज़ वाटर में ऐड करके उसको शेक करके आपका टोनर सैलिसिलिक वाला तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर प्योर वाला है तो उसकी आप 1 बूंद डालोगे, और अगर इतनी बड़ी बॉटल है तो आप उसकी, अगर इतनी बड़ी बॉटल है तो 2 ड्रॉप्स जो उसके इनफ होंगे प्योर वाले सैलिसिलिक एसिड के, बस उससे ज़्यादा आपने नहीं लेना है, उससे ज़्यादा आपने नहीं यूज़ करना है। ठीक है, ये आपका टोनर भी होगा सैलिसिलिक वाला। अब आपका मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़र कोई सा भी मैं यहाँ पर दिखा भी रही हूँ आप लोगों को, वरना फिर क्वेश्चन आ रही होते हैं आप ही कौन सा ये वाला है हमारे पास, ये वाला है, कोई सा भी आपका, आप वेज़लिन यूज़ करते हो, आप नीविया यूज़ करते हो, आप पॉन्ड्स यूज़ करते हो, आप कोई सा भी यूज़ करते हो। यार ये मेरा पैरट शोर कर रहा है, प्लीज़ इग्नोर कर देना है उसको, मैं चुप नहीं करा सकती उसे, वो बुला रहा है एक्चुअली, पता है मेरी आवाज़ सुन रहा है ना तेज तेज, तो वो उसका ये बुलाने का तरीका है, जाऊँगी तो बिल्कुल खामोश हो जाएगा। खैर, कोई सा भी मॉइस्चराइज़र आपका है, आपने उसको फिंगर में लिया, उसके अंदर इसका 1 ड्रॉप डाला, फिर बता रही हूँ उसके आप 2 ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो प्योर वाला है उसका आपने 1 ड्रॉप डाला, उसको अच्छे से रब किया और फेस पर आपने उसको अप्लाई किया, तो आपका सैलिसिलिक वाला मॉइस्चराइज़र तैयार हो गया। अब अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है, या आप पैसे बचाना चाहते हो मॉइस्चराइज़र में भी, कि नहीं यार मॉइस्चराइज़र महंगा पड़ता है, ये पड़ता है, तो आप कोई से भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। यार ऐसे एलोवेरा जेल, कोई सा भी एलोवेरा जेल आप ले सकते हो, कोई भी, यहाँ पे एलोवेरा है, वुकाली का है, और ये भी वुकाली का ही है, तो आप वुकाली का ले सकते हो, या सर नाव का ले सकते हो, बहुत सारे एलोवेरा जेल है, कोई भी एलोवेरा जेल आप ले लो, उसके अंदर उसकी ड्रॉप्स मिला के उसको अच्छे से रब करके और फेस पर आप मॉइस्चराइज़र के तौर पर यूज़ कर सकते हो। ठीक, कितने सारे ऑप्शन दे दिए। अब बात आ जाती है, नहीं आप ही, हमें तो सैलिसिलिक वाला नहीं यूज़ करना है, हमें तो फेस पर ग्लो चाहिए, हमें तो फेस पर वाइटनिंग चाहिए, ब्राइटनिंग चाहिए, तो इसी तरह इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। इनका अल्फा आर्बुटेन है जो कि आपको वाइटनिंग ब्राइटनिंग देगा, पिगमेंटेशन पे डार्क स्पॉट्स पे बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। और इनका लैक्टिक एसिड है, ये बहुत औसम है यार, औसम है। और ये जो 85% है, तो उसको तो भूले से भी सैर पे मत लगा ना, चेहरा जल जाएगा, इसको डायलूट करके ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा इनका ग्लूटाथियोन है, ये आप मिक्स कर सकते हो अपने मॉइस्चराइज़र में, अपने फेस वॉश में। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जिस चीज़ की नीड है उस हिसाब से अपना एक सीरम आप परचेज कर सकते हो प्योर, और उसकी 1 ड्रॉप आप शामिल करके जो है अपने फेस पर आप यूज़ कर सकते हो। तो हो गए खुश, कितना ज़बरदस्त मैंने ऑप्शन आप लोगों को दे दिया। उसके अलावा अगर हम बात करें मास्क की, तो मास्क के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपको मास्क लगाना है, मास्क आपके पास नहीं है सैलिसिलिक वाला, ये तो यही आपने करना है, आप मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाओ, उसके अंदर आप इसके ड्रॉप्स डाल सकते हो। मैं दिखा दूँ मेरे पास कौन सी मुल्तानी मिट्टी है, तो मुल्तानी मिट्टी आप ले सकते हो कोई भी, मेरे पास ये नाज वाइटनिंग मुल्तानी मिट्टी है, ये भी है मेरे पास बोटैनिका की भी है, वो भी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसका भी पैक बना के इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड या जो भी आपको नीड है जिस चीज़ की उसके आप डाल सकते हो। अभी सैलिसिलिक की बात करें तो सैलिसिलिक एसिड के आप इसमें ड्रॉप ऐड कर सकते हो, तो आपका फेस पैक बहुत सैलिसिलिक वाला बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहो तो काओलिन क्ले ये ले सकते हो आप, बहुत बेस्ट होता है यार, ये मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन, डैमेज स्किन वाले भी ये यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से स्किन को रिपेयर करती है। तो आप जो है मेरे पास पूछो कि कौन सा है, तो ये कौन सी कंपनी का है बता भी, तो ये वेलेक्सा का है, प्योर एंड नेचुरल काओलिन क्ले पाउडर। ठीक है, तो इससे तो एकदम आपके फेस पर ब्राइटनिंग आ जाती है, तो वाइटनिंग बहुत अच्छी आती है और रिपेयर बहुत अच्छे से करता है स्किन को। उसका आपने पेस्ट बनाया है कि गुलाब से सादे पानी से, और उसके अंदर आपने सैलिसिलिक एसिड का ड्रॉप डाला, तो ये आपका जो है एक्सफोलिएटर वाला बेहतरीन सा जो है आपका एक
फेस पैक तैयार हो गया। उसके अलावा अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, कोई भी अच्छा सा फेस पैक है आपके पास घर में रखा हो, कोई भी क्ले मास्क या कोई भी अच्छा सा मास्क, उसमें भी आप इसको ऐड करके अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा मैं दिखा दूँ, सैलिसिलिक एसिड पाउडर भी है, अगर आपके पास सीरम नहीं है, आप सीरम नहीं लेना चाहते जो प्योर मैंने दिखाया आप लोगों को, अगर आप ये नहीं लेना चाहते हो तो आप इस तरह से पाउडर ले सकते हो, तो उसकी भी आपने सिर्फ एक चुटकी डालनी होगी। ये किस ब्रांड का है, ये कॉस्मेटिक फार्मेसी का है, हाँ जो मैं बता रही थी आपको वो इसी ब्रांड के हैं, कॉस्मेटिक फार्मेसी के हैं। तो ये जो है आप या तो सिरम ले सकते हो लिक्विड फॉर्म में, या पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो। तो उम्मीद है कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फेस पैक बता दिया, मॉइस्चराइजर बता दिया, घर में टोनर बनाना बता दिया, जो भी आपको नीड है उस हिसाब से आप अपना परचेज कर सकते हो। और कौन सा इंग्रेडिएंट क्या वर्क करता है इस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ कि लैक्टिक एसिड क्या करता है, नियासिनामाइड क्या करता है, सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। फिर अपने स्किन के अकॉर्डिंग जिस चीज़ की आपको नीड है उस हिसाब से आप जो है वो सेलेक्ट करके अपना सीरम बॉटल मंगा सकते हो और सालों साल आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सैलिसिलिक वाला ही जाके परचेज करोगे मास्क, क्लिंजर, फेस वॉशेस। आप घर में कोई सा भी फेस वॉश लो, कोई सा भी मॉइस्चराइजर लो, खुद से अपना सैलिसिलिक वाला उसको बनाओ, मतलब एक्सफोलिएटर वाला बनाओ और उसको यूज़ करो और फायदे उठाओ। उससे फायदे क्या है, स्किन ग्लो करेगी, डल से आपकी डल स्किन है वो ग्लो करेगी, डेड सेल्स को रिमूव करेगा, कोलेजन प्रोडक्शन को अच्छा करेगा, तो स्किन फ्रेश हेल्दी यूथफुल लगेगी, एजिंग को भी आने से रोकेगा। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो पता क्या करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 इसको प्रेस करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। डीप इन द डार्क डाउन ऑन माय नीज आई हैव सीन थिंग्स दैट यू वुडंट बिलीव आवर